नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आज यूपीपी जेल वार्डन फायरमैन का पेपर आपका 19 दिसंबर पहले शिफ्ट 10 से 12 बजे ने आप लोगों का उम्मीद बहुत बढ़िया गया होगा। एकदम करेक्ट आंसर की मैं अभी आपका, जैसे रमन सर ने जीएस का सेक्शन कर दिए हैं, मैं मैथ्स का सेक्शन आपके लिए लेके आया हूँ। देखा जाए तो पूरे पेपर में यूपीपी के कांस्टेबल वाले में भी और जेल वार्डन फायरमैन में भी मैथ्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पूछता है तो 15 क्वेश्चन पूछता है, बाकी तो रीजनिंग ही भरी होती है। एक तो मेंटल एप्टीट्यूड, जब भी आप यहाँ पे पुलिस भर्ती बोर्ड का परीक्षा देते हैं तो आपको मेंटल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपी हो, कांस्टेबल का, चाहे आपका जेल वार्डन फायरमैन हो, सभी में आपका मेंटल एबिलिटी तो बहुत अच्छा पूछता ही पूछता है। उसके बाद रीजनिंग होता है और फिर मैथ्स के पोर्शन थोड़े से कम होते हैं, तो यहाँ पर भी मैथ्स के पोर्शन एकदम कम थे। जैसा मैं आपको बताया भी था कि इसका पेपर एग्जैक्टली कांस्टेबल की तरह होगा जो आपका 2018-19 में हुआ था, और वैसे ही पेपर आया था। एक बार देख लेते हैं जल्दी से, जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन मैं हाल फिलहाल तुरंत करवा दे रहा हूँ, बाकी तीन चार जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग वाले सेक्शन में है, वो आपको आशीष सर ही करा देंगे। जैसे 76वां क्वेश्चन ये पूछा था, तो पेपर का 76 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन में स्टार्ट होता है। तो इसमें एक है कि व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क है को किलोमीटर पार करता है, उसकी गति क्या है। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसे कई बार आपको कराया हूँ और बताता भी रहता हूँ कि छोटे पेपरों में इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो आप बस सिंपल सी बात रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस दिया हुआ था यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 455 मीटर। आपको ध्यान रखना था कि ये मीटर में दिया हुआ है और जो ये टाइम दिया हुआ मिनट में दिया हुआ है, तो जब आप 35 से करोगे तो इसे आप सेकेंड में कर लो, ताकि ये अब मीटर पर सेकेंड हो गया। और उत्तर किलोमीटर पर आवर में पूछा था, तो यहाँ पे आपको 18/5 कर देते तो आपका किलोमीटर पर आवर होता। इसे आप सिंप्लीफाई करते तो आप इसे 7 से काटते तो 7×5=35 जाता, 7×6=42 जाता, 7×5=35, यानी कि 65 तो आपका यहाँ हो जाता एग्जैक्टली। और आप 5 से फिर कट कर सकते तो 13 हो जाता, सॉरी यहाँ पे 65 नहीं जाता, हाँ 7×6=42 35, 7×6=35 ही जाता। तो 5 से करते 13 फिर कट जाता, और फिर हम इसे पूरा सिंप्लीफाई करते तो हमारा 0.78 इसका सही उत्तर था। और जिन बच्चों ने 0.78 किलोमीटर पर आवर चूज किया है उनका एकदम सही जवाब है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जीरो था। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था, और मैं ऐसे क्वेश्चन को LCMSC में कई बार आप सबको कराया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके UP SSSC में भी और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में भी। और सिमिलर क्वेश्चन आ गया, जैसे क्या था कि 2 नंबर का दिया हुआ था, LCM दिया हुआ था, SCF दिया हुआ था, और उनका गुणा भी आप देख सकते हैं, दोनों क्या हुआ है, LCM दिया हुआ है 252 और SCF दिया हुआ है 18। अब यहां पे करना क्या है, बोले उनके बीच का अंतर जो L-H है वो बता रहा है 90 दिया हुआ है, तो L+H क्या होगा ये आपसे पूछा है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, हम जानते हैं, कई बार मैं बताया हूँ कि जो SCF होता है वो आपके LCM में छुपा होता है, यानी जो 252 है ये 252 गुणे कोई नंबर होगा, ये A होगा, ये A गुणे 18 लिखा होगा, और SCF तो 18 लिखा ही है। तो HCF तो सब में कॉमन होता है ना, मान के चलो कि 2 नंबर है, N1 है और N2 है, तो SCF वही होगा जो दोनों में होगा, यानी इसमें भी 18 होगा, इसमें 18 होगा, तो इसे मैं 18 गुणे A लिख सकता हूँ और इसे 18 गुणे B लिख सकता हूँ। अब दो चीज़, एक चीज़ जानते हो आप, LCM और SCF का गुणा करोगे तो N1 N2 N2 होता है, और आप अगर इसे करो यहाँ पे तो LCM और SCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 252 गुणे 18 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर N1 N2 N2 करोगे तो 18 गुणे A दिया हुआ है, फिर 18 गुणे B हो जाएगा। एक का 18 18 तो आपका डायरेक्ट कट जाएगा, और ये 18 से इसे करेंगे तो ये 14 जाएगा, यानी आपका A × B पता चल रहा है क्या है, 14 है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है L-H, है ना, L-H, ये तो बोला संख्याओं के बीच का अंतर, L-H नहीं, N1 और N2 दिया हुआ था, 90 दिया हुआ था, तो N1 और N2 अगर क्या दिया हुआ है, 90 दिया है, तो आप उसकी वैल्यू क्या मान्य हो, N1 की वैल्यू 18 और N2 की वैल्यू 18 भी, तो यहाँ पे 18 कॉमन ले लो तो A-B बराबर 90 आ जाएगा, यानी A-B की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर आप इन दोनों वैल्यू को देखो तो A की वैल्यू साफ साफ आपको 7 दिख रही है और B की वैल्यू साथ साथ आपको 2 दिख रही है, तो 7×2=14 हो जाएगा, 7-2=5 हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा है कि क्या होगा योग, तो A+B को करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7+2=9, और क्योंकि 18 दोनों में कॉमन है तो 18 से गुणा कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 18×9 आपका 162 सही जवाब आ जाएगा।
समझ रहे। तो इतना आसान सा प्रश्न पूछा था, हालांकि एलसीएम एचसीएफ का इसे आसान नहीं कर सकते, इसे मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं, और ये कई बार पूछा गया है ऐसा प्रश्न, मैं कई बार आपको कराया भी हूं। तो जिन्होंने 162 करके आए हैं उनका उत्तर एकदम सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि, सालाना भी है और चक्रवृद्धि पे भी है, बोले 3 वर्ष के बाद में कितना धन प्राप्त करेगा, मतलब फाइनल अमाउंट मिश्रधन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 10% के रेट से, 10% के रेट से चाहे आप सक्सेसिव लगा लो, चाहे आप कोई भी लगा लो या चार्ट से कर दो, तो 10% के हिसाब से 3 साल में जो टोटल, थोड़ा क्विक करना होता है, टोटल जो आपका ब्याज बैठता है वो कितना बैठता है, 33.1%। भाई जब आप सक्सेसिव लगाते हो तो 10 साल पे 2 साल का कितना बनता है, 21% बनता है, 10 + 10 + 10 × 10/100, और ऐसे ही 1 साल का और करोगे तो कितना बढ़ेगा, 33.1। तो आपको एग्जैक्टली 100% बराबर दिया हुआ था क्या, 100% बराबर दिया हुआ था 16,000, और आपको निकालना कितना था, 133.1% निकालना था। तो आप सीधा कर देते 16,000 × 100 × 133.1 अगर कर देते तो आपका उत्तर आ जाता, और ये उत्तर आ जाएगा आपका 21,296। जिन बच्चों का ये था वो उनका एकदम सही जवाब था, क्लियर है। तो बी वाला इसका भी सही जवाब था, कोई तुक्का भी मारा होगा ना, बी 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 देखो तो सब में बी सही जा रहा है, उसका भी सब सही रहा होगा। चलो इसे देखते हैं। अब ये हमेशा आपके यूपीपी का आपका पेपर देखो कांस्टेबल, मैं बार बार बोल रहा था कि अगर आप फायरमैन वाला पेपर तैयारी कर रहे हो तो केवल आप कांस्टेबल जैसे पेपर की बार बार प्रैक्टिस करो, उसी से ही आपका फायदा होने वाला है, और एग्जैक्टली वैसा ही पेपर पूछा। देखिए जीएस का कुछ सर्टन नहीं होता, जैसे पूछ लिया कि डिमोनेटाइजेशन के पहले 500 के कितने नोट थे, अब भाई इतना तो ठीक है, मोदी जी ने बोला था कि 1.7 बिलियन होता है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा किसे याद रहता है, और ये आपको किसी किताब में तो पढ़ोगे नहीं ना, वो आपका करंट अफेयर है, 2018 की बात है आपका, 16-17 की बात है, 16 की बात है, सोचिए 5 साल पहले की बात अब पूछ रहा है, वो भी पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो जीएस का कुछ पता नहीं होता वो क्या पूछ ले, खासकर वनडे के ऐसे पेपर में वो जो मन में आता है वो पूछता है, फिर जो पक्का होता है वो आपका रीजनिंग होता है, मैथ होता है, हिंदी होता है। मैं बार बार बोल रहा था कि जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हो आप लोग, उन्हें आप रीजनिंग और मैथ और हिंदी, और जिन बच्चों ने ये फॉलो किया स्ट्रेटेजी उनका पेपर आज बहुत अच्छा हुआ है। तो 4052 और 12576 का एससीएफ पूछ रहा है, 4, 9, 12, 48 में से साफ साफ निकालोगे तो एससीएफ 4 ही निकलेगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, सारे नंबर से देख लो कि सभी कौन सा ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर दे रहा है, और वैसे भी देखो 5, 4, 9, 2, 11 अगर ये 11 है तो 3 वाला कोई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो वैसे ही कट गए, और ये 9, 4, 13 तो 4 और 148 में से 148 इसे कट नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब 4 ही आपका होगा, क्योंकि 4 इसे भी कट कर देगा और 4, 76 लास्ट में 2 डिजिट उसे भी करेंगे तो उसे भी कट कर देगा, तो 4 हमारा सही जवाब आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने 79 का 4 लगाया है, ए लगाया है, उनका सही विकल्प है ए, ठीक है, उनका सही गया है। ए बी सी एक समभुज त्रिकोण है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, यदि भुजाएं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः 9 PQR है तो पी ए आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसने बोला समभुज त्रिकोण है मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे बोल रहा है, और बोला है कि इस पे कोई मध्य बिंदु है पी क्यू आर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। अभी इसको मिला दिया जाए तो बोलना है कि ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई ये जो एरिया आप देखो, जब ये पूरी सिमिलर है, ये तीनों भुजाएं बराबर है और मध्य बिंदु से मिलाया जाएगा, तो ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों एरिया बराबर हो जाएंगे, तो पूरे एरिया को हम 4 भाग में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पूरे एरिया को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर देंगे तो जो 1 भाग होगा वो इसका पूरे एरिया का 1/4 होगा, तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो ये अगर पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 3/4 a² होता है, इसी का 1/4 कर दे तो इसका एरिया निकल आएगा, यानी कि 3/4 और a की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 × 4 यही तो हो जाएगा a² और ये हो जाएगा 1/4। तो देखो 4 4 यहाँ पे 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल √3 बचेगा। तो जिन बच्चों ने इसका उत्तर √3 किया है उनका सही जवाब है, और लकीली इस पेपर में सारे ऑप्शन बी ही सही जा रहे हैं, तो जिन्होंने बी तुक्का मारा है उनका भी सही जवाब है, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर देखते हैं कि 1.25 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, पावर इंडिसेस और सर्ट्स का क्वेश्चन था, है ना, घातांक और करणी का, तो यहाँ पे कर लेते हैं। घातांक की क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसका मान क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो 10^-4 है, यहाँ पे देखा जाए तो 10^-2 है, यहाँ पे देखा जाए तो 10^-2 है, और अभी इसके सारे संख्या को अलग लिख लिया जाए तो 125 × 5 × 4 5 × 20 और 20 × 125 करेंगे तो 2500 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा। तो दो जीरो यहाँ पे आएगा और 25 वाला वैल्यू उठा लो तो दो जीरो इसके दो जीरो को कैंसिल कर देगा, यानी बचेगा क्या 25 गुणे 10 की घात माइनस 6, और ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी किया है उनका जवाब क्या हो गया है, सही हो गया है। इसे देख लेते हैं कि यदि दो संख्याओं बी और 4b का औसत 10 है तो बी का मान क्या है। अब ये तो बहुत आसान हो गया यार, बी और 4b का जो औसत है वो 10 बता रहा है, यानी कि 5b की वैल्यू कितना है 20 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आएगी। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, सी जिन्होंने किया है उनका सही जवाब है। अभी देखते हैं ये 83 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ कि आप गो थ्रू ऑप्शन किया करो, पहली ऑप्शन चेक करते तुरंत सही हो जाता। चार कुर्सी और तीन मेजों का मूल 2100 है, ये चार कुर्सियाँ हैं और प्लस तीन टेबल हैं, इनका मूल 2100 है। बोल रहे पांच कुर्सियों का, पांच चेयर और दो टेबल का मूल्य जो है 17500। आप चाहो तो इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है भाई, ये कुर्सी और मेज का ही तो दाम दिया है, तो एक कुर्सी का दाम 150 तो पहले वाले में फिट कर लो, सेटिस्फाई होना चाहिए। चार अगर लोगे तो एक का 150 तो इसका 600 दाम हो जाएगा, और एक का दाम 500 तो इसका 1500 दाम हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 2100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे भी सेट करो, अगर ये 15 है तो ये हो जाएगा 750 और ये 500 है तो ये हो जाएगा 1000, ये भी जोड़ोगे तो 1750, यानी यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑप्शन ए ही आपको सही मिल गया। गो थ्रू ऑप्शन जाते तो यही पे आपका सही हो जाता, इसे लगाने की जरूरत थी ही नहीं। तो जिन बच्चों ने ए चूज किया है उनका जवाब बहुत अच्छा है, चलो एकदम सही समझ लो कि उनका पेपर बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो जाना है जैसे जैसे इन्होंने जो जो ये लगा के आए हैं। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन था और ब्रैकेट 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 है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था वहाँ पे, लेकिन क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है तो ये पेपर लगाना आसान होता है, ऑनलाइन में थोड़ा मैच करना पड़ता है, कॉपी में लेना पड़ता है तो समय ज़्यादा जाता है। लेकिन यहाँ पे देख लें, ये देखो एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट 2 - 4 - 2 हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर था तो स्क्वायर का माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट पे आओ, यहाँ पे 4 और 7 11 हो जाएगा, तो 11 का 2 से बाहर गुणा हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट देखो है ना, 2 और यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 + 7 = 11, 11 × 2 = 22, और 22 का जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे 3 भी आएगा है ना, तो 25 हो जाएगा, और 25 × 5 = 125 -1 का स्क्वायर उत्तर आएगा, यानी 124 का स्क्वायर आपका उत्तर था, लास्ट में जो 6 आएगा 15376 इसका सही विकल्प था आपका। तो जिन बच्चों ने इसका चयन विकल्प सी किए हैं 15376 चुके हैं, जिनका उत्तर ये आया था 124 का स्क्वायर, वो एकदम परफेक्ट मान के चलो कि उनका सही है, कोई आपको वो रोक नहीं सकता है। अंतिम प्रश्न मैं आपको बता दूं, जो टोटल 10 प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, 4-5 क्वेश्चन और थे जो मैं अभी बता दे रहा हूं, कौन कौन से क्वेश्चन थे उसे ओरली मैं आपको बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अंकों का क्या है। परसेंटेज में मैं बार बार इस क्वेश्चन को कराता हूँ, सुबह जो मैं 8 वाली क्लास लेता हूँ उसमें भी कम से कम 5 टेस्ट में रोज एक क्वेश्चन ऐसा डालता हूँ कि आप डायरेक्ट कंपेयर करो परसेंटेज को और इसका उत्तर निकालो। अभी इसको देखते हैं, बोला ए 67% अंक प्राप्त कर रहा है, भाई ये 67 प्राप्त कर रहा है, ये 27 प्राप्त कर रहा है, दोनों में अंतर कितना है 40% का, और मार्क में कितना अंक है, ये 192 अधिक है, ये 48 कम है, यानी दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आएगा 240, तो 40% बराबर 240 है, तो आपका 27% निकाल लो या 100% निकाल लो तो 100% बराबर 600 हो जाएगा, और आप कोई भी निकाल लो 600 का 67% निकाल लो तो पासिंग मार्क ये पता चल जाएगा ना, पाने के बाद उतना ज़्यादा पा रहा है, इसमें 192 माइनस कर दोगे तो आपका पता चल जाएगा कि ये कितना पासिंग मार्क है, तो पासिंग मार्क इसका 210 आ जाएगा जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो। बस समझ में आ रही है, चलो ठीक है। अब ये टोटल हमारे पास जो 76 से 85 क्वेश्चन थे, मैं 10 क्वेश्चन का आपको हल दे दिया हूँ। कुछ आपके जो आगे भी क्वेश्चन थे रीजनिंग वाले सेक्शन में थे, उसमें एक क्वेश्चन ये था समथिंग करके पावर, ये 9 था और उसकी पावर कुछ था, उसका यूनिट डिजिट पूछा था, और यहाँ पे ये इवन नंबर था, लास्ट में 4 था, तो आपको बस ऐसे समझना है कि जब 9 की पावर इवन जाता है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है 1, भाई 9 बाई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 × 9 = 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, तो इस वाले का उत्तर हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। एक दो क्वेश्चन और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है, शायद किसी का SCF निकालना था, तो उसमें मैं बता दूं कि SCF निकालना था तो उसका उत्तर 12 था, वो भी आप देख लीजिएगा ठीक है ना, जो मैथ वाला क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नहीं 14-15 क्वेश्चन थे, एक शायद कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, मैचिस्टिक था, उसमें 100 तीलियां ऐसा था कि एक डब्बे में 100 तीलियां हैं और दो तीली मिला के एक साइड बनाया जाता है, तो
उससे क्यूब बनाया जा रहा है। अब भाई अगर आप क्यूब बनाओगे तो उसमें से कितनी भुजाएं लगेंगी, चार चार आठ चार तीन बारह लगेंगे, और एक भुजा में दो तीली यूज हो रही है तो बारह दो ना चौबीस तीली यूज हो जाएगी। वो पूछ रहा था कितनी तीली बचेगी, तो सौ में से चौबीस माइनस कर दोगे तो छिहत्तर तीली आपकी बचेगी, तो इसका वाला उत्तर छिहत्तर था। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस और थे, तो वो आपको बीच में जो पड़ेगा वो आपसे सर बता देंगे। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन कुछ मैं भी करा दूंगा, कुछ अभी आपसे सर भी करा देंगे, तो आपका जल्दी जल्दी से सारे के सारे आंसर की दे दूंगा बहुत जल्दी से ये वीडियो। आप तब तक अपने और मैच कराते रहिए, रमन सर जो कराए हैं उससे आप जीएस करा लीजिए, और रमन सर का ही अभी आपको हिंदी मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।